जी अस्सलाम वालेकुम। इल्म दानिश बुक है और पेपर नंबर 10 हम करने लगे हैं। स्टूडेंट एटीट्यूड आर मोस्टली मेजर्ड बाय, स्टूडेंट का एटीट्यूड मेजर करना तो क्वेश्चन है जो है ना वो बेस्ट टेक्निक है स्टूडेंट का एटीट्यूड देखने के लिए। विच टेक्निक स्टडीज एन इंडिविजुअल इंटेंसिवली, किसी इंडिविजुअल को इंफरादी तौर पर बड़ी गहराई से डीप स्टडी करना, उसके ऊपर इंटेंसिवली के साथ करना, उसे केस स्टडी बोलते हैं। विच व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ क्लोज टू कंस्ट्रक्ट्स आर, दो चीजें आपस में कितनी करीब हैं, कितना उनका आपस में ताल्लुक है, तो कोरिलेशन रिसर्च से जो है ना ये हमें पता चलता है। ठीक है, व्हाट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चलता है, ट्रीटमेंट इफेक्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट व्हाट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रीट होता है ना कंट्रोल ग्रुप और वो बनाते हैं हम दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को हम जो है ना वो नॉर्मल रह देते हैं, एक को हम जो है ना वो ट्रीट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट होगा। इंप्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिस इन अ 5th ग्रेड इंग्लिश क्लास इज द बी एज एग्जाम्पल ऑफ, 5वीं क्लास के बच्चे को जो है हम जो पढ़ा रहे होते हैं इसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च, जो क्लासरूम के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है ना बच्चों के क्लासरूम के प्रॉब्लम को एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इफ यू आर ए पैनलिस्ट यू विल असर्ट ऑन, जो अगर मैं पैनलिस्ट होता ना तो मैं म्यूजिक और आर्ट को प्रेफर करता बजाय बाकियों के, पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस के एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग वाले, नेचुरलिज्म इस तरह की बात करते हैं, ओपन अप्रोच ऑफ टू मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तो मैं म्यूजिक आर्ट की तरफ जाता। ट्रेन द माइंड इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, यार यार इसका मैं तो इसकी एसेंशियलिज्म पैनलिज्म की तरफ जाऊंगा, पहले भी सवाल आया था कहीं पे, अब मुझे कोई बता दे कि प्रोग्रेसिविज्म क्यों है, मैं तो ट्रेडिशनल वाली बात पैनलिज्म वाली और एसेंशियलिज्म वाले करते हैं। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, ट्रू आइडियाज एग्जिस्ट इननेट इन द सोल ऑफ मैन हु होल्ड दीज व्यूज, एडिलिफ्ट वाले जो है वो सेंस परसेप्शन की बात करते हैं, सेंस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, सोल ऑफ माइंड यानी वो चीज़ें जो हवाई होती हैं दिमाग में होती हैं जिनका वजूद नहीं होता उनकी बातें करते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं। ईच पर्सन इज फ्री टू मेक वट एवर चॉइस ही विशेज, एक बंदा आजाद है जिस तरह की चॉइस वो करे, इसे एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं। इस्लाम होल्ड द व्यू दैट सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज वाइज रेवलेशन है, वही सबसे आला दर्जे का नॉलेज है। पिनियरिंग एफर्ट इन करिकुलम स्टडीज, करिकुलम के लिए जो प्योनियरिंग एफर्ट है हु कम्स इन माइंड, जो करिकुलम के लिए ज्यादा एफर्ट किए वो हिल्डा टॉबर ने की है, जब हिल्डा करिकुलम के लिए बात आएगी तो हिल्डा टॉबर साढ़े जेन चार जानी चाहिए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वर्क वेल विद स्लो लर्नर, जो स्लो लर्नर होते हैं पढ़ने को दिल नहीं करता, उनका पैसे का लालच लो, खाने का लालच लो, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड की बात करो तो ये जो है एक्टिव हो जाते हैं, भावे ने कोट दी दस उनको धमकी दो मारने की वो भी एक्सट्रिंसिक है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। रिकॉल टू योर माइंड हायरार्की ऑफ माज़लो, अपने दिमाग के अंदर चीज को जो है ना वो रिकॉल करना, बट रिकॉल करें कि ये हायरार्की कौन सी बनती है, व्हाट विच नीड शुड बी, क्या बोलते हैं, लास्ट फिल्ड लास्ट फुलफिल्ड लास्ट, कौन सी जो सबसे लास्ट में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है डी इसका ऑप्शन, ठीक है ये सेफ्टी नहीं है, यानी सबसे आखिर में जो वो हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मेडिकल सर्टिफिकेट मैक्सिमम लीव आउट 365 दिन हम मेडिकल सर्टिफिकेट, एक साल की छुट्टी है मेडिकल बुनियाद पर ले सकते हैं पूरी सर्विस के दौरान। कैजुअल लीव प्रिंसिपल भी दे सकता है, DDO सीनियर हेडमास्टर सारे दे सकते हैं। नॉन पेरिशेबल, जिसको छेड़ा ना जा सके, चेंज ना किया जा सके, वो एडमिशन रजिस्टर नकल दाखिल खारिज रजिस्टर होता है कि यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अ लीव आउटसाइड ऑफ लीव अकाउंट टू द एक्सटेंट डेट हिज ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट रिकमेंड्स एंड द पीरियड ऑफ सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी विद फुल पे एंड अलाउंस, कौन सी पी है भाई, जहाँ पे फुल पे मिलती है, अलाउंस भी मिलते हैं और ये ऑथोराइज भी है, मेडिकल अटेंडेंट भी इसको, लेकिन कौन क्वारंटाइन लीव है जैसे कोरोना के अंदर आई थी। मेटर्निटी लीव जो होती है ये जो स्कूलों वाले वोकेशन डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, जितनी मर्जी लो उस्तादा को इजाज़त है, जितने मर्जी बच्चे पैदा करती आओ, उस्तादों को इजाज़त है जितने मर्जी बच्चे पैदा करती आओ। अच्छा मेरे दो बेटे हैं, तीसरा बेटा इसलिए प्लान किया है कि चल यार एक म्यूजिक सर्विस भी लेके देख लेते हैं, यानी मेरी तो ऑलरेडी सर्विस चल रही है, मिसेज की अब लेक्चरर एजुकेशन सिलेक्ट हुई हैं और उनका जी चले जी हमें एक मज़ा ये भी ले लेते हैं कि म्यूजिक सर्विस बच्चा क्या क्या स्ट्रगल होती हैं, क्या होती हैं, बस ये लास्ट एंड द लीस्ट, ये आखिरी बच्चा ही है, बस तीन बड़े हैं, बस दो ही होने चाहिए थे, एक भागता भागता आ गया और ये तीन बच्चे एक दूसरे सर्विस हो जाएगा। अच्छा जी ये मैंने क्या चीज डिस्क्लोज कर दी है। 19 मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। अच्छा मैं एक आज आपको बात बताऊं कि मुझे आर्टिफिशियल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है,
मैं ना अभी 2-4 दिनों मेरी इंसान हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर कुछ खूबी होती है, कुछ खामियां होती हैं। और मैं जो है ना, मैं मतलब अपने ऊपर बड़ा सेंसिटिव था, बड़ा साफ था, बड़ा लोगों से डरना, किसी से मिलना नहीं, बेइज्जती हो जाना तो रोना भागना, ये चीज़ें थी। अब मैंने इतनी मेहनत की अपने ऊपर मोटिवेशन स्पीकर सुन सुन के और अपने आप को मना के, यार मुझे किसी से कुछ परवाह, अब मैं एक नेचर लाइफ गुजार रहा हूँ, अब मुझे किसी की परवाह नहीं होती, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कौन क्या, किसी से कुछ मुझे मतलब ही नहीं है किसी से। मेरी अपनी दुनिया है, मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ अल्लाह को राज़ी रखूँ, अल्लाह मेरे सारे काम बनाता जाता है, सब चीजें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाती हैं। बहुत ज्यादा कोई यूनिक भी नहीं हूं, मतलब डिस्टिंग्विश बच्चा भी नहीं हूं, लेकिन एवरेज बच्चा हूं और मेहनत करता हूं, सर्वाइवल कर रहा हूं। अच्छा, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। अब बेगम मेरी है, वो भी बढ़िया सास है, उसको बेचारी को अपने घर के काम करने होते हैं, उसको मैं उतनी तकरीरें तो नहीं सिखा सकता, इतनी मोटिवेशनल सेमिनार वो तो अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत हसास है, उसको जब वो बातें सुनती है ना तो रोने लग जाती है। अब हम एक रिश्तेदारों के घर गए तो वहाँ मेरे बच्चों के जो ना वो फीडर, मतलब दूध था सुबह का डाला हुआ था, फीडर ख़राब हो गए, हमने कहा कि धो के, उन मेहमानों उन्होंने कहा मेज़बानों ने हम धो के देते हैं, फिर उन्होंने थोड़ी बातें सुना दी कि लेकिन ये आप इतने अमीर हैं और ये प्रोफेसर हैं आप, ये देखें बच्चे का फीडर आपने किस तरह पुराना सा लिया हुआ। अच्छा, मुझे तो कोई, मैंने कहा ठीक है हमारी मर्ज़ी है, हम जैसा मर्ज़ी फीडर लें, हमारे बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए, मतलब अब बिल्कुल फिट हैं, कभी ऐसा नहीं है हमें अस्पताल की तरफ कभी चक्कर नहीं लगाना पड़ा, हम केयर करते हैं, अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। तो अब 2 दिन मेरी जो है सिर्फ टेंशन है मेरा ही। फिर कहीं से बच्चे ने कपड़े, ये देखो जी इनके बच्चे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, देखिए ये रिश्तेदार जीने क्यों नहीं देते यार, ऐसा क्यों है कि ये रिश्तेदारों को क्या होता है यार, कि अपनी किसी की जो नेचुरल लाइफ है उसको गुजारने दो यार। मैं कहता हूँ अब मिसाल के तौर, मैं कितने लोग देखता हूँ बहुत पैसे वाले होते हैं, अपने मुलाजमों का हक मार रहे होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ जिससे काम करवाया, अपने अहद के ऊपर पूरा उतरना, किसी का 1 रुपया भी उधार नहीं देना, किसी का है तो सबसे पहले भूखे रह लो, सबसे पहले उसको उतार दो, फिर उसके बाद अपनी पहले खाने पीने का सबसे लिविंग स्टाइल करंट उसको बेहतर करो, फिर लॉन्ग टर्म के घर बनाना ये करना, ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं, लोग बड़े लोग नहीं बख्शते यार, क्या किया जाए इनका ना, यकीन करें मुझे अपनी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब बेगम मेरी नाराज़ होती है उस बेचारी नाराज़ किससे होना, मुझसे ही होना, मैंने फलां के घर नहीं जाना फलां, तो उसको फिर मनाने में मुझे ही मुश्किल होती है कि मुझे उसको मनाना राजी करना, कि ये कौन होते हैं ये थर्ड पर्सन हमारे जिंदगी के अंदर जो है ना वो आके एक हंसते हंसते जो है ना वो घर को आके परेशानी देने में, हमारी मर्जी, हमारा लिविंग स्टाइल है, हम जैसे मर्जी जिए जैसे मर्जी रहें, हमारी अपनी मर्जी है, खुद हेल्दी यार क्यों है यार। तो बहरहाल खुदा के बंदो, आप कभी किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें यार, वो कपड़े जैसे पहने हुए उसकी अपनी मर्जी, उसने वो प्रोफेसर दिख रहा है नहीं दिख रहा उसकी अपनी यार लुक है यार उसकी, वो उसने वो मतलब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या किधर उसका पैसा कितना आ रहा है, किधर जा रहा है, क्या लाइफ है उसकी अपनी लाइफ है, उसको जीने दिया जाए। वो अगर वैसे होटल से नाश्ता मंगवा रहा है तो ये नहीं पूरे मोहल्ले में वो ढंडोरा पेट देगा यार, ये जो है ना वो नाश्ता भी बैठ से करते हैं, मर्जी है उनकी यार, वो जो मर्जी करें। पता है लोगों को क्या मिलता है किसी दूसरे के घर के किसी की बातें करके, यार क्यों नहीं जीने देते आप लोग लोगों को आज़ादी के साथ। तो जो मेरे सुनने वाले हैं इस चीज़ की कोशिश करें कि यार लोगों को आज़ादी से जीने दें, जो जहाँ पे है ठीक है यार, जो जो तुम्हारा कंसर्न एरिया नहीं है ना उसको छोड़ दो यार, उसकी मर्जी है यार, जिससे कोई मशवरा ले तो आप ईमानदारी से मशवरा दें, हर बंदा अपने अच्छे बुरे का जानता है, और ये जो मुखलिस दोस्त होते हैं ना ढंडोरा नहीं पीटते पूरे मोहल्ले के अंदर, हर किसी को नहीं बताते, वो बड़े प्यार से आके बात करते हैं कि उन्हें कुछ कि अगर आप यूँ कर लें तो यूँ हो जाए, हमारे भी दोस्त हैं हम भी उसको कभी कभार देते हैं कि यार यो कर लो, किसी के ये नहीं है कि ऐप जोड़ने की कभी। अच्छा, 19 क्वेश्चन करते हैं, बातें बढ़ जाती हैं, किससे बातें करनी है, आप मेरे स्टूडेंट ही तो मेरा एसेट हैं, उन्हें से तो सारी बातें शेयर करनी है, जो गलती हम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट जो है ना ये गलतियां ना करें यार, अच्छे इंसान बनना इसका बड़ा स्कोप है यार, अच्छे इंसान का बहुत स्कोप है, ये पढ़ाई का स्कोप इतना नहीं है, अच्छे इंसान बनने का बहुत स्कोप है, पूरे माशरे के अंदर कोई ईमानदार दयानतदार नहीं मिलेगा, दयानतदार बन जाए बहुत स्कोप है, सच्चे बन जाए बहुत स्कोप है यार, झूठ ना बोले, ईमानदार रहें, रियाकारी ना करें, ये कितना बहुत हसद चीज़ों से निकल आए यार, बड़े हो जाएं यार, अल्लाह ने नसीब लिखे हैं, आप अपनी मेहनत करें। अच्छा, खैर 19, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कॉपरेशन इज नॉन एज, भाई कौन सा मेथड है जिसके अंदर स्टूडेंट एसोसिएशन आपस में एक दूसरे से मोहब्बत भी सीखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कॉपरेशन उनका, तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ना उसके अंदर ये बच्चे सारे मिलजुल के काम किसी के ऊपर कर रहे होते हैं ना। माइक्रो टीचिंग के अंदर 5 से 10 मिनट की होती है, पहले माइक्रो टीचिंग क्या होती है टॉपिक मैंने बैच 2 के अंदर मैंने मिस कर दिया है, मुझे बहुत अफसोस है इसका, इंशाल्लाह बैच 3 के अंदर जो है ना वो मैं माइक्रो टीचिंग का
टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सवाल इसमें से आता है, माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्किल टेक्निक, टीचर को टीचिंग टेक्निक है, या स्टूडेंट के लिए नहीं है, माइक्रो टीचिंग टीचर के लिए, टीचर को टीचर बनाने के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए होती है, 5 से 10 स्टूडेंट टोटल 36 मिनट होते हैं। एक स्किल यानी क्लास में आके इंट्रो कैसे करवाना है, क्लास में आके जो है ना वो पढ़ाना कैसे है, असेस कैसे करना, छोटी छोटी चीज़ें बाकायदा रिकॉर्डेड होती हैं, बाकायदा वीडियो बनती हैं, बाकायदा उनको अपनी गलतियों को ठीक किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है आई थिंक, या ब्रैडफोर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, 1960 के अंदर जो है ना ये इन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया था, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 स्टूडेंट, इसके अंदर स्किल सीखी जाती है। और ये जो है ये टीचिंग विट इज नॉट अ टीचिंग स्किल, ये टीचर डिस्कशन तो एक मेथड है, ये सेट इंडक्शन, इंडक्शन स्टार्ट करना, क्लोज करना, गेस्टरिंग करना, ये स्किल हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग के लिए है, इट इज स्किल्ड ऑन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास टाइम एंड क्लास टाइम, तो ये स्केल डाउन ये छोटे लेवल के ऊपर जो है ना वो क्लास को करना, क्लास डाउन इसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, बट नॉट अ कंटेंट ओरिएंटेड टेक्निक। इसका माइक्रो टीचिंग कंटेंट ओरिएंटेड नहीं है, कितना कंटेंट पढ़ाना, ये तो एक टीचर को सिखाने के लिए माइक्रो टीचिंग है। व्हिच इज अ सिमुलेशन टीचिंग, ये जो माइक्रो टीचिंग है सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारे सामने टीचर ही बैठे होते हैं हमारे सामने, यानी ये सिमुलेशन से मुराद ये होता है कि कॉपी करना, यानी मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा लेकिन मैं यूं आ रहा हूँ कि जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बैठे मेरे पास मेरे सामने क्लास फेलोज वगैरह बैठे होते हैं ना जब हम सीख रहे होते हैं, तो ये एक सिमुलेशन टेक्निक भी है जो है माइक्रो। ठीक है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग द मैथ, मैथ पढ़ाने के लिए कॉपरेशन मेथड बेस्ट है, 2-4 सवाल पढ़ाओ, एग्जाम्पल पढ़ाओ, बच्चों को जगाओ, भाई मिलजुल के बैठ के करो। Who describe inequalities in education in line with the race, gender, class, etc. ये जो सारे ना सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं, ये क्लास, रेस, जेंडर, ये इस तरह की चीज़ें हैं ना वो सोशियोलॉजी में आती हैं। Who sees the school as an organ of society for its continuation and survival? तो ये कौन कहते हैं कि स्कूल एक सोसाइटी का आर्गन है जिसमें कंटिन्यूशन और सर्वाइवल के लिए फंक्शनल जो काम वाले हैं, जो कहते हैं काम, काम की बात अहमियत देते हैं, ये वो वाले बात करते हैं। Who sees the school as an instrument of class domination in terms of producing worker and consumer, not basis or honor? तो कौन कहते हैं कि स्कूल है ना ये जो है ना वो वर्कर पैदा कर रहे हैं, कंज्यूमर पैदा कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ये डोमिनेशन कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो कौन कहते हैं, कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कंफ्लिक्ट वाले। अच्छा, स्कूल बेस्ड लर्निंग कौन सी होती है, या अचीवमेंट जैसे हम करते हैं कि इतना पढ़ाया है इतना अचीव करना है, उसका स्कूल बेस्ड करना। द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर एज डिवेलप करिकुलम, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का पर्पज है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बुनियाद पे हम करिकुलम को डेवलप करेंगे, हम पढ़ाने की इंस्ट्रक्शन क्या होगी, डिजाइन असेसमेंट क्या होगी, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव को देखे कर रहे होते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मैं पढ़ाऊंगा किस मेथड से, असेस कैसे करूंगा, ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पर। और जब हम जो टीचिंग फंक्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव को हमने जो है ना वो कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, तो पहले उसके प्लान, टीचिंग प्लान करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से होंगे, असेसमेंट कौन से होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इम्प्लीमेंट ये क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंट इज अ की वर्ड यूज इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्स, जो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना मतलब एप्लीकेशन ही होती है ना कहीं पर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उस जैसा देखना, किसी रूल को कहीं अप्लाई करना, तो ये क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसको हम बोल रहे होंगे कि एप्लीकेशन लेवल है। ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट ये कंप्रिहेंशन कहते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन है ना, पहले क्या हमारे पास नॉलेज लेवल, तो नॉलेज लेवल को जो आके देंगे हम, नॉलेज लेवल ही होता है जिसके अंदर रिकॉग्नाइज करना चीज़ों को, और जिसके अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना वो कंप्रीहेंशन होता है, ट्रांसलेट करना जहाँ पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना वो एप्लीकेशन होता है जी। विच नॉर्मन क्लेचर कंस्ट्रक्ट एज ए पर्सन रिलेशनशिप टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ पीपल, ये मेंटोरिंग होता है कि जो जिसको देख के ना हम अपनी कैपेसिटी, मेरा मेंटोर है फलां यार, कासिम अली शाह साहब इज माई मेंटोर, 2018 से लेके अब तक आज 2023 छठा साल जा रहा है, पांचवा साल, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपने गुरु, अपने मुर्शिद कासिम अली शाह को न सुना हो, कोई एक दिन नहीं गुजरा, मतलब 2017 से लेकर बल्कि मैं हर रोज़ सुनता हूँ, मुझे उसकी बातें सुकून देती हैं और मुझे जीने का सलीका, और मेरा वो उस्ताद है, मेरा गायबाना, क्योंकि मैंने वर्कशॉप भी अटेंड की हुई है, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। तो मेंटोर जो आपकी कैपेसिटी बिल्ड करता है, आपकी जो है ना रिलेशनशिप को, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन इंटीग्रेटेड करिकुलम, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मिलाना, करिकुलम इधर से मिला के इधर से कंस्ट्रक्ट करना,
अच्छा जी, इंटरप्रेट करना एज ए पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात जहां करते हैं तो फिर हम उसमें करते हैं जी। जी तो पोटेंशियल आर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, पोटेंशियल की बात आ गई, पावर होगा ठीक है। विच नोमेनक्लेचर कोरेस्पोंड एज ए प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एंड नॉवल आइडियाज, क्रिएटिविटी के अंदर होता है यूजफुल एंड नॉवल आइडियाज की बात, क्रिएटिविटी कोरेस्पोंड अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज एंड इंप्लीमेंटेशन, न्यू आइडियाज इनोवेशन उनका इंप्लीमेंट करना इनोवेशन होता है। विच परमिट मोर लोकल कम्युनिटी, ये जब लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग के अंदर तो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, जब हायर लेवल हो तो फिर सेंट्रलाइज्ड होता है। एवरी चाइल्ड रिसीव एजुकेशन विच विल इनेबल द फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज आर कैपेबिलिटी, स्टेटमेंट रेफर टू द एजुकेशनल इक्विटी बोलते हैं, जहाँ पे हर बच्चे को जो है वो उसको फुल डेवलपमेंट हक हासिल है, इक्विटी होगा। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन रेफर टू एजुकेशनल क्वालिटी, एक्सीलेंस यानी अच्छी एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन बोलेंगे। विच कंस्टिट्यूट द स्ट्रेटेजी एंड डिटेल ऑफ प्रोसीजर फॉर अचीविंग द टारगेट, तो एजुकेशनल प्रोग्राम के जरिए टारगेट अचीव करते हैं। कौन सा जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना बच्चों का वो फिलोसॉफिकल इन नेचर है, वो है किंडरगार्टन है ठीक है, और प्रैक्टिकल कौन सा है, साइंटिफिकली कौन सा है, वो मॉन्टिसोरी मेथड है, यानी जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना आइडियलिज्म वाले हैं वैसे किंडरगार्टन वाले जो है ना फ्रोबल जो था, तो जो सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात किंडरगार्टन करते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात जो करते हैं वो मॉन्टिसोरी मेथड करते हैं। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो होता है वो किंडरगार्टन के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जो होता है वो मॉन्टिसोरी मेथड के अंदर होता है। इफ स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विच मेथड विल यू सजेस्ट टू टीचर्स, कि जब बच्चों के टीचर्स मे नॉट स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही तो लेक्चर मेथड कर लें, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड तो जहां पर सारे मिलकर करते हैं उसके अपोजिट जो है लेक्चर मेथड है वो वाला कर लें। अच्छा ये वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ फिलोसफी से ही हम करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव डिवेलप ड्राइव करते हैं ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हाउ ऑफ लो क्वालिटी ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यानी देखो जो किताबों की लो क्वालिटी है ना फाइनेंशियल, आज हमारे पास इंग्लिश मीडियम किताबें हैं वैसे डिसाइड करते हैं इंग्लिश उर्दू मीडियम होगा, किताबें इंग्लिश मीडियम में आ जाती हैं क्योंकि जो फंडिंग कर रहे हैं वो कहते हैं भाई इंग्लिश मीडियम में किताबें भेजो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है हमारे पास। वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ अवर एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ पर एक्सपर्ट टीचर कोई नहीं है, सारे मसले ही वैसे हैं, कोई कौन सा मसला जो पाकिस्तान में नहीं है। असेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक राइटर इज दैट ही शी मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इसको, सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो, लैंग्वेज का भी पता हो, लर्नर का भी पता हो, सारी बातें होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रिजिस्ट द करिकुलम चेंज, टीचर जो है ना ये करिकुलम चेंज की मुखालफत करते हैं सबसे ज्यादा, कहते हैं जो टीचर पढ़ने वाले हैं ना वो ठीक है दोबारा याद करना बंसी। विच सिलेक्ट अ कंटेंट ऑफ करिकुलम वन ऑफ द क्राइटेरियन इन इट्स, तो ये जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट जो है तो उसकी सिग्निफिकेंस की बुनियाद पर कितनी किसकी अहमियत है। करिकुलम जो है ना वो कंसिस्ट होता है ऑल द प्लांट एक्टिविटीज, जो है ना तमाम प्लांट लर्निंग एक्टिविटीज उसको करिकुलम बोलते हैं। इट इज अ लेस क्रिएटिव इन नेचर, यानी कौन सी लेस क्रिएटिव, सुपरविजन लेस क्रिएटिव है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिव वाला काम करना होता है ना, सुपरविजन तो मैनेजर के भी नीचे होते हैं, लेस क्रिएटिव है। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है बॉडी, उसको हम कोर्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इन करिकुलम, ये इंटीग्रेशन में बोलते हैं, जहां पे दो सब्जेक्ट के जो कंटेंट उसका आपस में रिलेशनशिप जो होता है वो होता है। कंप्यूटर लिटरेसी, ये पैनलिज्म वाले इसको अहमियत देते थे। रिसर्च कंसर्न्ड विद करंट फिनोमेना ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है करंट फिनोमेना जो है करंट बात जो कहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, वो टीचर क्लास को मैनेज करता है। Now the student need inside and outside classroom and have positive expectation is related to humanistic theory, ठीक है क्या है humanistic theory, यानी यहाँ बच्चे की expectation पहले बात की humanistic में। The process of selecting a subject of population for a survey is known as sampling, for say sampling, यानी वो जिसके process में हम sample को select करते हैं population में से उसे sampling बोलते हैं। What do we want to achieve educationally at the end of instruction, तो teaching objective, हम objective का हासिल करना होता है ना teaching पढ़ाने के बाद, हमें चीज चाहिए ऑब्जेक्टिव चाहिए। टीचिंग इज अ मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज ऑफ द माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स के जरिए, जो है वो टीचर्स जो को जो है ना वो शौकीन बनाया, जिस टीचर को सिखाया जा सकता है उसको मेजर किया जा सकता है कौन किस तरह कितना बेहतर टीचर है। प्रैक्टिस मेथड को ड्रिल मेथड भी कहते हैं, जहां पे प्रैक्टिस की जाती है। सेल्फ एवैल्यूएशन ऑफ क्लास टीचिंग, जहां पे प्रिपेयर टेक्स्चुअल मटेरियल,
देखो ये सेल्फ एवेल्यूशन ऑफ क्लास टीचिंग, सेल्फ एवेल्यूशन करने के लिए टेक्सचुअल मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो पास्ट टेंस के अंदर होती है कि हमने ये किया है। जो बंदा मोटिवेट करता है काम करने को उसे लीडर बोलते हैं। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लास, क्लासिफाइंग करना चीजों की, उसे टेक्सोनोमी बोलते हैं। रा जो मटेरियल होता है, रा इन्फॉर्मेशन, उसे डेटा बोलते हैं। नो स्कूल इज बेटर देन द टीचर, कोई स्कूल टीचर से बेटर नहीं होता। पावर डेलीगेटेड, तो छोटे लेवल पर पावर को डेलीगेट करना, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ सारी दुनिया में जो है वो इंसान की वजह से हुई है। LFO लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, ये यहया खान ने 1970 के अंदर किया था। अब तक जो लीगल फ्रेमवर्क आए हैं, दो आए हैं। एक दिया था परवेज मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ ने दिया था 2002 के अंदर, और एक लीगल फ्रेमवर्क दिया था यहया खान ने, और ये दिया था 1970 के अंदर। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? LFO इसके अंदर जो है ना, वो मेरे ख्याल है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज करता है और उसको जैसे आइन को मंसूख करना होता है, और एक और लीगल फ्रेमवर्क देता है काम करने का, जिसमें उसने जो है ना वो वन यूनिट को खत्म करके ना जो पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद उनकी बात की थी, तो ये यहया खान ने किया था। अलेक्जेंडर जो है ना, उसने 326 BC के अंदर इंडिया के ऊपर हमला किया था। इस्लाम वाज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक पाकिस्तान का मतलब इस्लाम है जी। वैसे इस्लाम कोई नहीं, सिर्फ आइन में इस्लाम इस्लाम है बस। आयरन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी इज हेल्पफुल फॉर हीमोग्लोबिन, ये आयरन की जो मेटाबॉलिज्म है ये खून बनने के लिए। आर्ट है, आर्किटेक्टर जो है ये हमायूं के दौर के अंदर बड़ा इसको अरूज था, बड़ा इसको शौक था। मोवर इलास्टिक जो है ना, यहाँ पे रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक कहते हैं खिंचो, उसके अंदर लचक ज्यादा होती है, तो रबड़ के अंदर होती है। ये आयरन उसने गलत लिखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है 2430 किलोमीटर है कहीं पर, ये पुराने वाइस बंजे बहुत पुराना है। सैलीबरी सही, हरारे, सैलीबरी जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे, हरारे का पुराना नाम सैलीबरी है, ठीक है। एबल तस्म, ये न्यूजीलैंड के अंदर जो है इस कंट्री डिस्कवर द कंट्री, एबल तस्म तस्मन था जिसने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था, नहीं एबल तस्मन एक बंदे का नाम है जिसने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था। फ्लोरेंस नाइट एंगल एक कोई फेमस जो है ना नर्स थी, पता नहीं वर्ल्ड वार टू की कब की मशहूर नर्स है जी। इंडोलेंट सुस्त कहते हैं, बड़ा यू आर वाई इंडोलेंट मैन। एमएस वर्ड के अंदर ये जो होता है ना पेज मार्जिन के अंदर ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से, वो तो होता है, लेफ्ट सेंटर वाला कहां से आ गया, मार्जिन सेंटर में कहां होता है जी, ठीक है। गिव एंटोनिम ऑफ टेंडर, टेंडर मतलब तो बड़ा ही जो है ना वो पुरसकून बंदा है यार, काइंड बंदा है, काइंड मैन है, और क्रूअल जालिम बंदा है। अ मैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40, इसको खुद हल कर लेना, मैथ वाले पर आसान सा ही है, 1 घंटा 35 मिनट में कवर करता है, और फिर वो जो बाईसाइकिल यूज करता है तो वो जो 28 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो 1 घंटा 7 मिनट रह गया जी। पोलीगॉन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नेम इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आगा अशर कश्मीरी को, आगा अशर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का क्या कहते हैं जी, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। ये शेर किसका है? तुम आए हो नशब इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, फैज़ अहमद फैज़ है। अच्छा जी, मंदिर में से ज़रबुल मिसल तलाश करें, नाच न जाने आंगन तेरा फसाना है मुब्तला, किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल फसाना मुब्तला है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपनी राय का जरूर इजहार किया करें यार, कभी कमेंट कर दिया करें, मुझे भी पता चले कि यार कोई मुझे सुनता है यार, मैं एम ए नहीं खपता, किसी को मेरी बात को अच्छी लगती है, थोड़ी मोटिवेशन होती है, और क्या है आप एक बस यही मोटिवेशन होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है, और दुनिया में बहुत से काम करने के हैं, मैं भी बहुत से काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं एम ए खप रहा हूँ यानी मेरी पढ़ाने से आप लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर बताएं ताकि मतलब कोई और काम कर लिया जाए, ज़रूर अपनी एनर्जी लगानी है। अब आपके सामने इतना टाइम कीमती, आधा आधा घंटे में रिकॉर्डिंग उसको देखना, बाद में एडिट करना, अपलोड करना, इतनी टेंशन, सारे बहुत से मामला होते हैं। खैर, मुझे अपनी दुआ में याद रखे करें, आज आप लोगों की दुआएं ही हैं कि लाइफ इतनी ज़बरदस्त है, लाइफ इतनी ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह जी।